इस पवित्र और राष्ट्रीय पर्व में मैं समस्त प्रदेशवासियों, देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले राजस्थानियों तथा सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। इस अवसर पर मैं शीश झुकाकर प्रणाम करती हूं आज़ादी के आंदोलन में अपना तन मन धन न्यौछावर करने वाले ज्ञात और अज्ञात सभी स्वतंत्रता सेनानियों को, जिनकी वजह से हमें यह अनमोल आज़ादी प्राप्त हुई है। मैं विनम्र श्रद्धांजलि देती हूँ हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा में शहीद हुए सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों को, आंतरिक सुरक्षा में न्यौछावर हुए पुलिस के जांबाज सिपाहियों को, जिन्होंने हमारी सुरक्षा को बरकरार रखने के लिए अपनी कुर्बानी दी। मैं प्रणाम करती हूँ गोविंद गुरु के नेतृत्व में मानगढ़ धाम पर शहीद होने वाले उन आदिवासी भाइयों को, जिन्होंने इसी धरती पर सच्चाई के लिए जलियांवाला बाग जैसी बड़ी शहादत दी। मैं नमन करती हूँ बिजोलिया आंदोलन के सूत्रधार साधु सीताराम, विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा जैसे आज़ादी के वीर सपूतों को, जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ आज़ादी की लड़ाई में आहुतियाँ देने वाली हमारी उन बहनों को, जिनकी शहादत आज भी हमारे लिए प्रेरणादायक है। ऐसी बहनें शकुंतला देवी त्रिवेदी, प्रभावती देवी, रामकोरी देवी, नारायणी देवी, शांता त्रिवेदी, भगवती देवी बिश्नोई, सत्यवती शर्मा, लक्ष्मी देवी आचार्य थीं। ऐसी महिला स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और संघर्ष को मैं सलाम करती हूँ। इस पुण्य अवसर पर मैं प्रणाम करती हूँ मेवाड़ की उस धरा को, जो स्वर्ग जैसी सुंदर है, जहाँ के कण कण में शौर्य और बलिदान की कहानियाँ हैं। यह दरा कोई साधारण भूमि नहीं है। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली रही इस धरती पर हुआ ऐतिहासिक हल्दीघाटी युद्ध मातृभूमि की रक्षा के लिए हमें आज भी प्रेरित करता है। ऐसी पवित्र माटी को मैं शत शत नमन करती हूँ। यह वीर प्रसूता धरती पन्नाधाय और हाड़ी रानी के बलिदान की भूमि है। यह अष्टछाप कवियों और मीराबाई की भक्ति स्थली है। यह भगवान श्रीनाथ जी, एकलिंग जी, ऋषभदेव, माँ त्रिपुर सुंदरी, बेणेश्वर धाम, देव सोमनाथ, चारभुजा जी और सांवलिया सेठ की पवित्र धरती है, जहाँ आकर सबका मस्तक श्रद्धा से स्वतः ही झुक जाता है। आज मेवाड़ की इस पवित्र धरा पर आप सबके बीच आकर 15 अगस्त 2006 की यादें ताज़ा हो गई हैं। यही स्थान था, यही उत्सव था और यही मौसम था। प्रदेशवासियों के साथ संभाग स्तर पर राष्ट्रीय पर्व मनाने की एक नई शुरुआत हमने पिछले कार्यकाल में की थी, लेकिन ये परंपरा पिछले 5 वर्षों में पुनः राजधानी तक केंद्रित हो गई। प्रदेश की खुशहाली और विकास में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने के पावन उद्देश्य से हमारी सरकार ने यह परंपरा फिर से शुरू कर दी है। हमारी सोच है कि आज़ादी के 67 साल बाद भी जीवन की मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहे लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, उनके जीवन में एक नया सवेरा आए। संभाग मुख्यालय पर राष्ट्रीय पर्व मनाने का फैसला हमने फिर इसीलिए लिया है। मैं तहे दिल से प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दिलवाई। आपके इस विश्वास और स्नेह से मैं अभिभूत हूँ। अब हमारी बारी है। हम आपके विश्वास और स्नेह की शक्ति से पूरे राज्य में ठोस विकास कराएंगे। आपका साथ और विश्वास प्रदेश के विकास के लिए अत्यंत अहम है। यही कारण था कि सेवा की बागडोर संभालने के साथ ही हमने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की है। हमने सुराज संकल्प यात्रा के दौरान बहुत करीब से यह देखा कि जिस प्रशासनिक तंत्र को
लोगों की सेवा करने की जिम्मेदारी दी गई थी वो बिल्कुल चरमराई हुई थी, शिकायतों का अंबार था और जनता को स्थानीय स्तर पर राहत नहीं मिल रहा था। पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने तथा उसे जनता के प्रति जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से हमने संपूर्ण मंत्री परिषद और सरकारी अधिकारियों के साथ सर्वप्रथम भरतपुर संभाग में 9 से 18 फरवरी और फिर 19 से 30 जून तक बीकानेर संभाग का सघन दौरा किया। इसी कड़ी में हम सब अब 16 से 25 अगस्त तक उदयपुर संभाग में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। मुझे इस बात का एहसास है कि जनता अपने अपने क्षेत्र के विकास के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है। प्रदेश की जनता ने 50 साल से अधिक एक ही विचारधारा पर भरोसा रखा, अपने उज्जवल भविष्य की कल्पना साकार करने के लिए उन्हें जिम्मेदारी दी और सालों तक धैर्य रखा, परंतु हमसे तुरंत ही कायाकल्प करने की अपेक्षा की जा रही है। आपकी बेसब्री और सरकार से अपेक्षा, आकांक्षा और अभिलाषा ये हमारे लिए एक चुनौती है जिसे हम स्वीकार करते हैं, लेकिन आपको हमें समय देना होगा, हमारे साथ धैर्य रखना होगा और ये धैर्य 50 साल का नहीं होगा, हम 5 साल में निश्चित तौर पर आपको परिणाम देंगे। आज प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक आधारभूत संरचना की स्थिति किसी से छिपी हुई नहीं है। मैंने पहले भी बार बार कहा है और मैं पुनः आज दोहराना चाहती हूं कि हमारे लिए सत्ता सुख का नहीं सेवा का माध्यम है। हमारा ध्येय है सब जन उत्थान, सब जन विकास। आपके सपने हमारे सपने हैं और ये सपने सच होंगे। मुझे ये भी एहसास है कि कुछ लोग विकास की राह में बाधाएं उत्पन्न करना चाहते हैं। हमारी पिछली सरकार के आखिरी 3 सालों में भी कुछ व्यक्तियों ने इसी तरह हम सबका ध्यान बांटने की कोशिश की थी। ऐसी ही कोशिश आज भी हो रही है जो प्रदेश के विकास के लिए अवरोधक है, लेकिन इस बार हम सब उस चीज को समझते हैं, इसलिए हम विकास को अवरुद्ध करने वाले किसी के भी ऐसे मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। मैं इस विषय पर नहीं जाना चाहती कि इन 50 साल में क्या क्या हो सकता था और क्या क्या नहीं हुआ, सपने क्यों टूटे, यह भी चिंतन का विषय है कि गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ 15 सालों में कहां से कहां पहुंच गए और हमारा प्रदेश आज भी वहीं का वहीं है। विकास का यह अंतर शासन करने वालों का अंतर है। हमारी सरकार नारों में नहीं नीतियों में विश्वास करती है, हम वायदों में नहीं काम में विश्वास करते हैं। हम हर मजहब और 36 की 36 कौम को विकास की मुख्य धारा से जोड़कर एक ऐसे राजस्थान का निर्माण करेंगे जिसमें सभी प्रदेशवासियों को गर्व महसूस हो, लेकिन यह तभी संभव होगा जब आप और हम मिलकर विकास की राह पर कदम से कदम मिलाकर साथ चलेंगे। विकास की इस राह को आसान बनाने के लिए ही मैंने 14,000 किलोमीटर लंबी सुराज संकल्प यात्रा तय की थी। मैंने हर व्यक्ति के दुख दर्द को बहुत करीब से महसूस किया था और संकल्प लिया था कि मैं राजस्थान की दिशा और दशा दोनों बदलूंगी। प्रदेश के समग्र विकास के लिए हमने बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ साथ सामाजिक आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में ढांचागत सुधार की योजनाएं शुरू की हैं। इसके साथ सरकार आपके द्वार भामाशाह योजना, कौशल विकास, नई औद्योगिक निवेश, खनिज तथा सौर ऊर्जा नीतियों को शीघ्र जारी करना, सदियों पुरानी राशन दुकानों का आधुनिकीकरण तथा ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहित करना, यह हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी क्रम में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिहाज से उदयपुर जिले के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क को इस वर्ष के अंत तक पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। प्रतापगढ़ जिले में गौतमेश्वर मेला, भवर माता मेला, सीता माता मेला
और अंबा माता मेलों का प्रबंधन राज्य मेला प्राधिकरण के अंतर्गत किया जाएगा। अरनोद तहसील में स्थित गौतमेश्वर महादेव मंदिर के पर्यटन स्थल के रखरखाव हेतु विशेष तकनीकी और वित्तीय सहायता दी जाएगी। हमारी सोच है कि हम प्रदेश के दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों का भी विकास और उन तक उजियारा पहुंचाने का प्रयास करेंगे। विकास का ऐसा उजियारा जिससे गरीब को उन्नत जीवन मिले, वृद्ध को संबल मिले, विशेष योग्य जनों को आत्मबल मिले, किसानों को अन्नदाता होने का गौरव मिले, युवाओं को सम्मान से जीने का हक मिले और नारी को सशक्त होकर आगे बढ़ने का रास्ता मिले और हम सभी विकास में भागीदारी बने। एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए नारी को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है, क्योंकि नारी का सशक्तिकरण समाज का सशक्तिकरण है और राजस्थान का सशक्तिकरण है। इसी उद्देश्य से मैं आज स्वतंत्रता दिवस के इस पवित्र मौके पर प्रदेश में नए सिरे से भामाशाह योजना लागू कर रही हूं। इसके लिए हमारी सरकार ने इस वर्ष 600 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। इस योजना में राज्य के सभी अर्थात लगभग 1.5 करोड़ परिवारों की महिलाओं के नाम से बैंक खाते खोले जाएंगे और इसके साथ साथ परिवार को भामाशाह कार्ड भी दिए जाएंगे। सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से परिवार को मिलने वाले सभी नगद लाभ सीधे इसी खाते में जमा होंगे। इस कार्ड का उपयोग नगद के अलावा अन्य योजनाओं के लिए भी किया जा सकेगा। इससे महिलाएं सशक्त, समर्थ और स्वावलंबी बनेंगी और फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी बढ़ावा मिलेगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि आइए आप हम सब इस योजना में जुड़ें, अपना भामाशाह कार्ड बनवाएं ताकि राजस्थान के हर परिवार की महिला मुखिया के नाम बैंक खाता हो जिसमें पैसा जमा हो और उस पैसे को अपने विवेक से खर्च करने का उसे अधिकार हो। इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक पंचायत स्तर पर अटल सेवा केंद्र की स्थापना करेंगे, जहां आम जनता को सरकारी सेवाओं के साथ साथ भामाशाह कार्ड से संबंधित सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी। बिजली शहरों में ही नहीं अब गांव में भी एक अहम जरूरत बन गई है। हमने सुराज संकल्प यात्रा के दौरान आपसे वादा किया था कि हम आपको 24 घंटे घरेलू बिजली देंगे। मुझे खुशी है कि हम इस दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आज शहरी आबादी की तरह ग्रामीण क्षेत्र की अधिकांश आबादी में शहरों की तरह घरेलू बिजली मिलने लगी है। निकट भविष्य में पूरे प्रदेश को 24 घंटे घरेलू बिजली मिलने लगेगी, इसके लिए तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा प्रदेश विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भर हो बने। इसके लिए हम दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जुट गए हैं। पिछले 7 माह में राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता में 900 मेगावाट की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा 850 मेगावाट क्षमता की इकाइयों में भी इसी वित्तीय वर्ष में उत्पादन शुरू हो जाएगा। बिजली की मांग में लगातार हो रही वृद्धि को ध्यान में रखते हुए हम विद्युत क्षमता को में बढ़ोतरी करेंगे। हमारा प्रदेश सौर ऊर्जा में देश का सिरमौर बने, इस नेक इरादे को जमीनी अंजाम देने के लिए हम आगामी 5 वर्षों में 25,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए नई सौर ऊर्जा नीति बनाएंगे। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की तरह अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में भी घरेलू बिजली 24 घंटे मिले, इसके लिए उदयपुर वृत्त में फीडर मेंटेनेंस कार्यक्रम के तहत 23 करोड़ रुपए की लागत से 591 फीडरों की मरम्मत करवाई जाएगी। जल है तो कल है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि देश की नदियां जुड़े। अटल जी के इस सपने को राजस्थान में हमारी सरकार पूरा करेगी। इसके लिए राजस्थान रिवर बेसिन अथॉरिटी का गठन हम करके एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रतापगढ़ शहर में पेयजल समस्या के समाधान हेतु 80 करोड़ रुपए की लागत से जाखम बांध से इंटेक वेल और चोर मगरा पर द्वितीय
पंपिंग स्टेशन के निर्माण द्वारा शहर में की जा रही जल आपूर्ति परियोजना का पुनर्गठन किया जाएगा। डूंगरपुर शहर की पुरानी पेयजल पाइपलाइन बदलने हेतु 5 करोड़ की योजना स्वीकृत कर पूर्ण कराई जाएगी। छोटी सादड़ी की पेयजल समस्या के निराकरण हेतु परियोजना के द्वितीय चरण में हमेरा बांध के निर्माण कार्य हेतु 930 लाख रुपए की स्वीकृति जारी कर कार्य प्रारंभ करवाया जाएगा। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की 41 बंद पड़ी जलोत्थान सिंचाई परियोजनाओं को पानी की उपलब्धता के आधार पर पुनः शुरू किया जाएगा। किसी भी प्रदेश की तरक्की वहां की सड़कों पर भी निर्भर करती है। हमने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए 20,000 किलोमीटर सड़क विकास का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। नई सड़कों के निर्माण के साथ साथ व्यापक स्तर पर 1,00,000 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत का कार्य भी किया जा रहा है। सड़कों के विकास के त्वरित गति से प्रदेश का आर्थिक और सामाजिक विकास संभव हो सकेगा। गत शासन काल में हमने 1,000 किलोमीटर से अधिक के नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को विकसित किया था। अब हम 5,000 करोड़ रुपए की लागत से राज्य के 6 प्रमुख मार्गों की 1,000 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर विकसित करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 113 प्रतापगढ़ और छोटी सादड़ी शहर के मध्य से गुजरता है। हम इस समस्या को भली भांति जानते हैं। इसका हल बाईपास है, जिसके लिए हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। उद्योग किसी भी देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है और राज्य की आर्थिक मजबूती का आधार होते हैं। इस महत्व को समझते हुए हम बड़े औद्योगिक निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाने और युवाओं को पर्याप्त रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य में नई निवेश प्रोत्साहन नीति जारी करने जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि अगले 5 वर्ष में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में किया जाएगा। नई निवेश नीति के साथ दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के शीघ्र विकास पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। अलवर जिले के गिलोट में सेरामिक और ग्लास उद्योग की स्थापना के लिए सेरामिक जोन की स्थापना की जा रही है। राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के अलावा आईटी, टेक्सटाइल और डेयरी को थ्रस्ट सेक्टर घोषित किया है और भिवाड़ी में 120 करोड़ रुपए की लागत से टूल रूम कम ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। आप तो जानते ही हैं कि बढ़ती आबादी के कारण सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर अब सीमित हो गए हैं, इसलिए हमने निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। हमारा वायदा था कि हम 15 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर दिलाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देंगे और इसके लिए युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और आवश्यक वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके। हमारे युवा दक्ष और प्रशिक्षित होंगे तो उनके लिए नौकरियों की कोई कमी नहीं रहेगी। उसी उद्देश्य को लेकर पहले चरण में इस वर्ष 1,70,000 युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कौशल प्रशिक्षण दिलवाने का हमारा लक्ष्य है। इसके लिए 223 करोड़ रुपए की लागत से 40 कंपनी के साथ एमओयू हो चुका है। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां हम आजीविका मिशन के तहत पहला आजीविका स्किल सेंटर स्थापित करने जा रहे हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि यह सेंटर उदयपुर में ही स्थापित किया जा रहा है। इस क्षेत्र में पूरा देश अब राजस्थान की ओर देख रहा है। राज्य कौशल विकास के क्षेत्र में पहले की तरह अब भी देश को नेतृत्व प्रदान कर रहा है। हमने श्रमिकों के हित तथा उनके कौशल विकास और रोजगार के लिए नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से श्रम कानून ऐसे ही अन्य कानून में भी आवश्यक संशोधन करने की पहल की है। इसके अलावा हम रोजगार कार्यालयों को करियर सेंटर के रूप में विकसित कर रहे हैं। हमने अपने बजट में स्किल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की भी घोषणा की है और युवाओं को नौकरी चाहिए और नियोजकों को स्किल युवा चाहिए, इसका हम इंतजाम करने जा रहे हैं। युवाओं का कौशल कार्यक्रम हमारी सरकार का एक मुख्य उद्देश्य है और मैं राजस्थान के स्वाभिमानी नौजवानों को आश्वस्त करती हूँ कि हम इन 5 सालों में 15 लाख युवाओं को रोजगार दिलवाकर ही चैन से सांस लेंगे। मैं इस पावन अवसर पर
उन्हें स्पष्ट करना चाहती हूं कि राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में उठाया गया हर कदम नागरिकों को सस्ती, सुलभ और बेहतर सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य मात्र से प्रेरित हैं। हमने अपने बजट भाषण में भी स्पष्ट तौर से कहा था और आज फिर दोहराती हूं कि चाहे राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बस स्टैंड का आधुनिकीकरण हो या राष्ट्रीयकृत मार्गों का डी नेशनलाइजेशन हो या फिर पीपीपी मोड पर शहरी क्षेत्रों में विद्युत वितरण की व्यवस्था हो, इसमें से किसी भी क्षेत्र, किसी भी स्तर पर सरकारी कर्मचारी या अधिकारी की नौकरी पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगी। स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं आप सबका आह्वान करती हूं कि आप इस विकास यात्रा में भागीदार बने। जनहित में कठोर निर्णय लेने हो तो आपकी शक्ति हमें विचलित नहीं होने दें, क्षणिक कष्ट हमें अपने लक्ष्य से दूर नहीं करें और आलोचक भी हमारी दूरगामी सोच की प्रशंसा करें। हम सबके सपनों की योजना को साकार करने के लिए विकास और बदलाव का यह मार्ग निश्चित तौर पर कठिन होगा, परंतु हम ना तो हिम्मत हारेंगे और ना ही थकेंगे। ईश्वर के आशीर्वाद से हम सब बुलंद हौसलों के साथ विकास की राह पर प्रदेश को आगे बढ़ाते रहेंगे। मेरा अटूट विश्वास है कि हम सभी इस प्रयास में जरूर कामयाब होंगे और खुशियों से भरे एक बेहतर कल का निर्माण करेंगे। आओ साथ चलें प्रदेश की प्रगति के लिए। हम साथ चलेंगे तो राजस्थान आगे बढ़ेगा, राजस्थान आगे बढ़ेगा तो प्रदेश के 7 करोड़ नागरिक आगे बढ़ेंगे और 7 करोड़ लोग जब एक साथ आगे बढ़ेंगे तो बनेगा समृद्ध राजस्थान, संपन्न राजस्थान, स्वाभिमानी राजस्थान। मैं यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर का कथन दोहराना चाहूंगी जो हमारी सरकार की सोच को प्रकट करता है। उन्होंने कहा था कि मैंने सोते हुए सपना देखा कि जीवन आनंद है, मैं जागा तो पाया कि जीवन सेवा है, मैंने सेवा करके पाया कि सेवा ही आनंद है। जय जय राजस्थान और जय जय हिंदुस्तान।